तो नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम देते हैं डेली आपको अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी, और दोस्तों डेली अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज है 3 तारीख और वार है 3/8/2023 और वार है बृहस्पतिवार। और जान लेते हैं, मेरे सामने बैठे हैं जैसे अलवर मंडी में करते व्यापार का कार्य लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और मैं इनका परिचय देता रहता हूँ और जान लेते हैं आज का बाजार। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है आज सरसों के बाजार में और भी तेजी है। ठीक है, बाजार आज ठीक है। तो मतलब क्या भाव रहा? 56,500 का भाव हो चुका है, तो ये 6,000 के करीब पहुंचने वाला है ऐसा लग रहा है। डेली की तेजी हो सकता है दोस्तों। वैसे भावों का तो अंकल जी कह रहे हैं हो सकता है, वो सही बात है, क्योंकि भाव किसी के हाथ में नहीं है। बाकी जो लगातार 15-20 दिन एक महीने से प्लस बाजार जरूर देखा जा रहा है, और आज भी तेजी का रुक रहा। और इसके अलावा सरसों की आवक कितनी है? सरसों की आवक 9,000। आज सरसों की आवक में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके अलावा गेहूं का भाव? गेहूं के भाव में तेजी रही है। तो आज जिनसों के भाव में तेजी का रुक रहा है लगभग 125। गेहूं की आवक कितनी चल रही है? अच्छा, आवक 1,000 कट्टे हो गई है। अभी सरसों अलवर मंडी जिले में बहुत होगी किसानों के पास, क्योंकि सीजन तो अपना फरवरी में ख़त्म हो जाता है, फरवरी मार्च में, और स्टॉक माल चलते हैं, है ना। तो इसके अलावा बाजरा वही है 17,500। और ग्वार चना? ग्वार है 5,500। और चना 5,000। और मतलब जो कि आवक नहीं होती, मतलब इस समय सिर्फ सरसों और गेहूं की आवक देखी जाती है, और स्पेशल सरसों की आवक ज़्यादा होती है। और अभी नया सीजन कौन सा आएगा? यही आएगा, कपास का आएगा, वो भी अभी टाइम है, टाइम लगेगा। चलो, सरसों की रिपोर्टें अच्छी चल रही हैं और किसानों के लिए फायदेमंद। धन्यवाद जानकारी दी आपने।